कई बार झूठे हो गए, मेरे आरती में आए हो, मेरे उसको बात में तेरे चेयर नहीं चलते चलते यहाँ तक आ गई है। बोले इतने कष्ट तुमने क्यों किए हो, ये कष्ट तुमने करने में क्या जरूरत है। देखो इसलिए काशी विश्वनाथ तो कोई गए हो, कौन गए काशी विश्वनाथ? एक दो तीन चार गए, क्योंकि कहते काशी विश्वनाथ जी को कोई कोई दर्शन करते है ना, कहते वहाँ पर शंकर जी जो जाते हैं उनको कानों में उन्होंने भगवान का नाम को देते हैं, हैं? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र जय जपत महेशा और काशी मुक्ति हेतु उपदेशा है। इसलिए शंकर जी पंचमों में क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शंकर जी पंचमों में भगवान का नाम को, शंकर जी पंचमों में भगवान का नाम को जप करते हैं, और जो काशी में जाते हैं शंकर जी अंतिम समय में उनको कान में शंकर जी ये भगवान का नाम को उनको कान में सुना देते हैं, और नाम को सुनाने पर क्या होता है, कहते उनको 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 मुक्ति मिली जाती है, उनको मुक्ति मिली जाती है। इसलिए इधर इसलिए उनको इधर को जरूरत कुछ बात है, कुछ बुरा बंद कर देंगे, हरे कृष्ण। इसलिए शंकर जी उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे भारत में क्या होता है, लोग सबके जब काशी जाना चाहते हैं और वाराणसी जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई आ गया ना, उनको काशी जाने पर जो तुमको पुण्य मिलेगी, वाराणसी जाने पर जो पुण्य मिलेगी, कहते अगर यहाँ पर आकर के वो जो हरिहर देखा ना, हरिहर रूप देखा, अगर यहाँ पर आकर के कोई अगर हरिहर को दर्शन कर लिया, तो शंकर जी खुद पार्वती को कहते पार्वती उससे कोटि गुण उनको पुण्य मिलेगा अगर ये स्थान में कोई आ गया तो। कोई ताली नहीं हो जाती। इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं हे पार्वती यहाँ पर साधारण व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, कहते करोड़ों करोड़ जन्म का अगर कोई सौभाग्य उदय हो, कोई भक्ति उदय हो पार्वती, तभी ये स्थान में आ सकता है, आ सकते हैं। इसलिए शंकर जी कहते ये जो हरिहर को तुम लोगों ने दर्शन किए हो, शंकर जी कहते अगर ये हरिहर को कोई दर्शन कर लिया, हरिहर को कोई दर्शन कर लिया, शंकर जी कहते पार्वती मैं गुप्त रूप में, जो गुप्त काशी कहते हैं ना सुप्त काशी, यहाँ पर शंकर जी यहाँ पर गुप्त रूप में यहाँ पर रहते हैं, छुप करके यहाँ पर शंकर जी यहीं पर रहते हैं। शंकर जी बोले भैया यहाँ शंकर जी कहाँ से आ गए, ये तो महाप्रभु का धाम है, पर ये शंकर जी कहाँ पर आ गए यहाँ पर है। बोले शंकर जी इसलिए आप देखना वो हरिहर एक स्वरूप देखेंगे नहीं, और उसको पास में इधर एक देखना शंकर जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, कहते वो वृद्धसिंह है, वृद्धसिंह मतलब सदाशिव है, यहाँ पर शंकर जी सदाशिव रूप में भी यहाँ पर शंकर जी का निवास है। कहते ये शंकर जी यहाँ कहाँ से आ गए, बोले एक समय जो भागवत में वर्णन आई है, एक समय शंकर जी को कहते काशी राजा एक था, उनने शंकर जी को पूजा की तो शंकर जी तो बड़े भोले बाबा है, बड़े जल्दी शंकर जी खुश हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम एक भोले बाबा शंकर जी को, उन्होंने शंकर जी को पूजा की, शंकर जी थोड़ी सी खुश हो गए, बोले भैया वर्मा को क्या चाहते हो, बर्फपुरी वर्मा को क्या चाहते हो? बोले मैं तो द्वारकाधीश भगवान जो कृष्ण को मैं साथ में युद्ध करते हुए उनको मैं परास्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ दो। बोले कोई बात नहीं, चलो तेरे साथ में मैं भी हो जाता हूँ, दोनों मिल करके क्या करेंगे, कृष्ण को परास्त करेंगे। देखो इसलिए शंकर जी को समझना बड़ा कठिन है। शंकर जी का नाम भी बड़ा रामेश्वर, साधारण रूप में क्या लगता है, राम का जो ईश्वर गोपेश्वर लगता है, गोपियों का ईश्वर है जैसे कामेश्वर का लगता है, लेकिन उल्टा है, वो सही नहीं उल्टा। इसलिए शंकर जी को समझना बड़ा कठिन शंकर जी का तत्व है। शंकर जी बोले चलो हम दोनों मिलकर कृष्ण से युद्ध करेंगे, बोले भगवान से लड़ने के लिए तैयारी हो गई शंकर जी, लेकिन जब युद्ध करने के लिए द्वारका में गए, इतने में भगवान कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र और सुदर्शन चक्र को हमने भेज दिया तो पहले तो काशी राजा को ही खत्म कर दिया, पहले काशी राजा को मार करके उन्होंने फिर पीछा किया किसको तरफ में, काशी पूरा काशी जो राज्य था, पूरा काशी राज्य को जला करके उन्होंने पूरा राग बना दिया,
काशी राज्यों के पूरा खत्म कर दिया। खत्म करके पहले शंकर जी को पीछा किया। शंकर जी जहाँ शंकर जी आए प्रभु का सुदर्शन चक्र उनको छोड़ नहीं रहे। शंकर जी ने सोचा अभी क्या करूं, कहां पर जाऊं, आश्रय लूं। अरे शंकर जी तो साधारण है ही नहीं। शंकर जी को कहता ना सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर जी अपना दिव्य ज्ञान से देखा ये जो धाम है नवद्वीप धाम में एक समय स्वयं सच्चिदानंद गौरहरि रूप में स्वयं कृष्ण कलियुग में राधा जी की भाव और अंगदत्त लेकर के एक दिन ये कलियुग में यहीं पर जन्म ग्रहण करेंगे। और राम और कृष्ण जितने दयालु, कृष्ण तो दयालु है ही है, कितना है कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत। कृष्ण तो दीन बंधु है, जगतपति तो है, दयालु सागर तो है, लेकिन कृष्ण भी कभी कभी क्रोध दिखाया। रावण कृष्ण ने कंस को मारे कि नहीं, अकाशुर बकासुर को मारे कि नहीं, शिशुपाल दंत बकर को मारे कि नहीं, मारे। लेकिन शंकर जी ने देखा, लेकिन वही कृष्ण जब कलयुग में आएंगे राधा जी की भाव अंगदत्त लेकर के। आपने कभी सुना है राधा रानी किसको मारे हैं? बोलो राधा रानी किसको मारे है? क्या नहीं, पिछले वृंदावन में जाओ तो किसका नाम सब कदम लेते हैं? अरे जोर से बोलो, इसलिए वृंदावन में जानते करुणा गुरुमयी करुणा भरित राधा रानी बड़े दयालु है, इसलिए उन्होंने देखा यही पर कृष्ण राधा जी के भाव अंगदत्त लेकर यही पर आएंगे और सारा दुनिया को हरिनाम देंगे, बड़े दयालु होंगे, सर फोड़ देने पर भी प्रेम दे देंगे। इसलिए शंकर जी यहीं पर आए। यहीं पर शंकर जी आकर के श्री सच्चिदानंद गौड़ हरि की शरण में उन्होंने शरण ले लिया। बोले प्रभु मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ प्रभु। भगवान ने कहा शंकर जी ये बताओ तुमने मेरे साथ में लड़ाई करने के लिए तैयारी हो गया? तो मेरे साथ में युद्ध करने के लिए कैसे तैयारी हो गया? बोले प्रभु ये जितने दुष्ट लोग है मैं तो भोले बाबा हूँ, बड़े भोले, इसलिए ये लोग इसका बहाना लेकर के मेरे को उपासना करके और इनकी संग जैसे संग रंग बदलेगा। जितना देखना शंकर जी के जितने भक्त सब राक्षस है, रावण भी राक्षस है, भस्मासुर भी राक्षस है, और कौन कौन राक्षस है, कंस भी राक्षस है, शंकर जी को पूजा करता था, बाणासुर भी राक्षस, सब असुर असुर है, ये सबके सब शंकर जी की पूजा किया। कभी ये दुष्ट लोग का जैसे संगत में बैठे को रक्त वैसे बदलेगा, इनकी संगत में बैठे बैठ के बुद्धि खराब हो गया। अभी मैं चाहता हूँ आपकी शरण में रहने, इसलिए आप अपना चरणों में मेरे को स्थान दे दो, फिर आपका संगत में रहूंगा तो मेरी बुद्धि सही रहेगा। इसलिए उन्होंने यहीं पर शंकर जी उन्होंने आश्रय लिया और यहीं पर शंकर जी गुप्त रूप में, ये गुप्त काशी है, अगर यहाँ पर कोई आए तो शंकर जी को काशी जाने का जो फल है, वाराणसी जाने का जो फल, शंकर जी स्वयं पार्वती को ये बात कहते हैं, अगर यहाँ पर कोई मेरे को दर्शन कर लिया तो कुंती काशी से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा यहाँ श्री शंकर जी को दर्शन करने पर। इतने महिमा ये शंकर जी को दर्शन करने का, समझ रहे हो? काशी जाने के लिए कितना पैसा खर्चा होता, वाराणसी जाने के लिए कितना पैसा खर्चा होता, लेकिन आपने एक तीरी में सब कुछ पा दिया, एक तीरी में सब पा दिया। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते ना विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है कोई अगर लाख लाख बार करने पर जो पुण्य मिलेगा ये नवद्वीप धाम परिक्रमा करने पर उसके करोड़ों गुण ज्यादा फल मिलेगा। इतने महिमा ये स्थान की, समझ रहे हो? इसलिए यहाँ काशी आने का। अभी प्रश्न आता है ये हरिहर कैसे हो गए? देखना हरी आधा हरी आधा हर, शंकर और शिव पार्वती एक साथ में एक रूप, बोले ये ऐसे कैसे हो गया? ध्यान से सुना, बोले एक समय जब भगवान समुद्र मंथन से जब भगवान मोहिनी अवतार लेकर प्रकट हुए, लेकिन उस समय सारे देवता लोग थे लेकिन एक भोले बाबा नहीं थे, शंकर नहीं थे। लेकिन शंकर जी को पता चला भगवान जो मोहिनी रूप धारण किए थे, इतने सुंदर शंकर भगवान कृष्ण का इतने सुंदर मोहिनी रूप था, सारे देवता लोग बोले हमने बहुत स्त्रियां देखी है, रंभा उर्वशी मेनका हम बहुत देखे, लेकिन जब कृष्ण मोहिनी रूप धारण किए इतने सुंदर रूप हमने कभी नहीं देखा। शंकर जी खूब सुने,
एक दिन शंकर जी ठाकुर को पास में आए, बोले प्रभु एक बार वो रूप दिखा देवे। भगवान बोले भैया कौन सा रूप है? बोले वो रूप है। अरे बोले बताओ कैसे वो रूप क्या सर? बोले वही रूप है। अरे बोले बताओ तो कौन सा रूप है? बोले मैंने सुना है आप समुद्र मंथन में क्या पॉइंट रूप धारण किए थे? बोले हाँ। बोले एक बार दर्शन करा लोगे? बोले शंकर की मत दिखा करो, आप उसको मत दिखा करो, इसलिए आप शंकर जी मत देखा करो। मैंने राक्षसों को मोहित करने के लिए रूप धारण किया है, तो राक्षसों को मोहित करने के लिए रूप धारण किया, इसलिए अगर वो तुम वो रूप को देखोगे ना, अपने आप को संभाल नहीं सकते हो। बोले क्या बोल रहे हो? मैं जोगी जोगी महाजोगी, मैं सत्यम शिवम सुंदरम ने और देव देव महादेव शंकर जी कहते मेरा क्या देख बोले नहीं कर सकते हो। बोले प्रभु एक बार दिखाई दो। एक दिन बोले ठीक है टाइम आने पर तेरे को दिखा दूंगा। एक दिन शंकर जी एकदम पार्वती को गोद में लेकर के शंकर जी एकांत में बैठे हुए थे। जब पार्वती को लेकर बैठे हुए थे भगवान ने देखा यही उपयुक्त समय है शंकर जी को पॉइंट रूप दिखा देगा। पार्वती बड़ी सुंदर है, बहुत मृगनयनी है, बहुत जितने तथ्य प्रजापति की बेटी थी ना 60 बेटियों में सबसे सुंदरी पार्वती थी, सबसे सुंदर थी, जिनकी मृगनयनी बड़ी सुंदर थी। और अभी गोद में लेकर बैठे हुए किसको? पार्वती को। और त्रिशूल गाड़ दिए। और शंकर जी यहाँ त्रिशूल गाड़ देते हैं ना, अब पार्वती इतने सुंदर स्त्री को लेकर बैठे हुए है। इतने में भगवान एक कुंज के अंदर से भगवान ने महीन रूप लेकर पकड़े हुआ। दिन में जब उन्होंने महीन रूप लिया मानो ऐसे लग रहा था मानो दिन में चंद्रमा भी प्रकट हो गई, मतलब इतने सुंदर थे। जब शंकर जी कुंज से प्रकट हुए और एक गेंद को उछालते हुए, ऐसे ऐसे गेंद को उछालते हुए प्रकट हुए कहां से? कुंज से। जब शंकर जी ने देखा बोले भैया हमने बहुत सुंदर रूप देखा, पार्वती भी कम सुंदर नहीं जो गोद में बैठी हुई, लेकिन इतने सुंदर रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं। क्यों? कृष्ण मदन मोहन है ना, काम देव को भी मोहित करने वाले भगवान का रूप है। इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को कहती है बोले नंदलाल तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करुण ने की, अच्छा किया परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया। अगर तू लाली होता है ना पता नहीं विश्व ब्रह्मांड तेरे विश्व पागल हो जाते, और आपस में युद्ध करके मर जाते तेरे को पाने के लिए, अच्छा हुआ तेरे को लाली नहीं बनाकर तेरे को लाला बना दिया। इतने सुंदर भगवान का रूप और इतने वो गेंद को उछालते हुए प्रकट हुई है। जब ऐसे गेंद को उछालते प्रकट हुई है भगवान की बख्य स्थल में जो उत्तर थी जो चुंदर थी वो चुंदर थोड़ा हट गई तो इतने में मोहिनी ने शंकर जी को ऐसे किया। जब ऐसे किया पार्वती बहुत सुंदरी है पार्वती, लेकिन पार्वती इतने सुंदरी होने पर उनको धक्का मार दिया शंकर जी को। और शंकर जी ना त्रिशूल गाड़ देते ना वहां से हटते नहीं शंकर जी, लेकिन उन्होंने मोहिनी को पीछे भागे, उन्होंने देखा उन्होंने पकड़ ही लिया मोहिनी को, वो देखते वहां मोहिनी है ही नहीं और बुला रहे हैं। फिर उन्होंने गए कद उनका ब्रिज स्खलित हो गया शंकर जी की, कद जहाँ पर उनका ब्रिज स्खलित हुआ है वहीं पर सोने की खान बन गई, सोने का जो खान है ना वहीं पर बन गया। इतने में शंकर जी का जो कपड़ा था ना शरीर से खिसक गया, शंकर जी का त्रिशूल कहाँ गिरा, शंकर जी की डम्बरू कहाँ गिरे, शंकर जी नंगे होकर घूम रहे हैं शंकर जी। लेकिन उन्हें पार्वती उन्होंने मोहिनी को पकड़ लिया था, लेकिन देखते वहां पर है ही नहीं। इतने में जब उन्होंने भगवान को उन्होंने पकड़ लिया, कौन शंकर जी, जब पकड़ लिया क्या हो गया, एक तरफ में हरी को पकड़ लिया, कौन हर मतलब कौन शंकर जी, तब उन्होंने भगवान को पकड़ना, भगवान मोहिनी है ना, भगवान तो मोहिनी रूप धारण किए, इसलिए हरी और जो हर है वो क्या बन गया, हरी हर बन गए। इतने में भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं। इतने में जब प्रकट हुए उसके बाद में क्या हुआ, शंकर जी थोड़ी देर बाद में देखा नंगे होकर घूम रहे, उनका त्रिशूल कहां पर, उनकी उनका डम्बरू कहां पर और कहां पार्वती कहां से वो छोड़ दिए। थोड़ी देर बाद में जो उनको होश आया बोले ये क्या मैं नंगे होकर घूम रहा हूँ, लेकिन शंकर जी सोच रहे थे शायद किसने देखा नहीं। और शंकर जी सुबह शायद देखा नहीं, शंकर चुपचाप बैठ गए।
जैसे हम कोई गलत काम करते हैं ना, हमको क्या लगता है किसने देखा भी अच्छा हो गया, हमने गलत काम को छुप कर गलत काम कर दिया। लेकिन जब शंकर जी अगर छुप कर बैठ गए ना, ठाकुर जी प्रकट हो गए, क्यों बोले बाबा क्या बात है, क्या क्या बात है शंकर जी, मैंने तुमको पहले से मना कर रहा था, मैं मोहिनी रूप को मत देखा करो, लेकिन तुम माने नहीं ना, देखा नंगे होकर तुम कैसे नंगे होकर के पूरा मैंने गवा दिया। शंकर जी चुप हो गए। शंकर जी देखो एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, ये चीज को सीख कर जाओ। कोई कोई कहते ना है, बोले शंकर भगवान की, कोई कोई कहते ना बोले शंकर जी भगवान से भी बड़े। हमारे भारत में विशेष करके देखना क्या बोलते हैं, शंकर जी भगवान से भी बड़े शंकर जी। लेकिन यहाँ पर शंकर स्वयं शिक्षा देते, देखो मेरी प्रभु जी की ऐसे माया है, मैं स्वयं देव देव महादेव, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो जोगी जोगी महायोगी। लेकिन प्रभु की माया ऐसे है, मेरे जैसे व्यक्ति को भी पागल बना करके जंगल जंगल में घुमा दिया। भैया मेरे को भगवान मत क्या करो, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान की सेवक हूँ, ठाकुर जी का नौकर हूँ, इसलिए मेरे को भगवान मत क्या करो। कम से कम मैं दुनिया को ये तो बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, भैया मैं ठाकुर जी की सेवक हूँ, मैं भगवान की भक्त हूँ, ये बात तो मैं बता सकता हूँ। इसलिए जो हरिहर है जो और दूसरा बात है, ये हरिहर फिर क्यों है, ये हरिहर क्यों, कभी कभी इसमें भी लोग भ्रमित हो जाते हैं, है कहते हरि जो ब्रह्म, कहते कृष्ण और शंकर जी तो एक ही है, जो हरिहर है ना दोनों मिला हुआ है, वो तो एक ही है। नहीं, क्यों यहाँ पर एक क्यों बताया, कारण क्या, बोले कारण बताए भगवान स्वयं दुर्वासा जी को कहते हैं, बोले देखो साधव हृदय में हम साधु नाम हृदय तू हम मद अन्नत न जानती ना आम सेवा मन मना कर। इसलिए मैं भक्तों का हृदय में मैं रहता हूँ और भक्त मेरे हृदय में रहता है, मैं भक्तों को छोड़कर कुछ नहीं जानता, भक्त मेरे को छोड़ करके कुछ भी नहीं जानते हैं भक्त लोग हैं। इसलिए जो भगवान और जो भक्त है, जिसे गुरु हम कहते ना, गुरु को ही भगवान कहते हैं, कहते साक्षात हरित्व समस्त शास्त्र ही, समस्त शास्त्र क्या कहते हैं, गुरुदेव कौन है, साक्षात हरित्व साक्षात हरि गुरुदेव कहते ना, साक्षात हरि गुरुदेव कहते ना, किंतु क्यों हरि कहते हैं, बोले किंतु प्रभुर्य प्रिय तस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंदम, कहते गुरु जी को भगवान को साथ में करना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ये भी कहते ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, क्यों कारण क्या, बोले कारण है जो भक्त भगवान है, भगवान भक्त भगवान अभिन्न है, इसलिए भगवान कभी कभी भक्तों का चरण की सेवा करते हैं, इसलिए वो इतने भक्तों का प्रिय है, इसलिए कहते हैं प्रिय है तो वो अभिन्न है। इसका मतलब ये नहीं जो जो शंकर जी वही भगवान कृष्ण है, इसलिए हनुमान जी कौन है बताओ, जो राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए रहते हैं, चरण में बैठे ना, हनुमान जी कौन है, शंकर जी है। गोस्वामी जी कहते हैं रुद्र देह जी नेह बस वानर भय हनुमान, जब शंकर जी ने देखा ये शंकर जी के स्वरूप में मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए शंकर जी प्रेम में बसीभूत होकर हनुमान बन करके आए और क्या कर रहे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, राम की चरण में बैठे हैं और राम की चरण की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कि नहीं है, इसलिए कहते हैं ना दुनिया चले ना त्री राम के बिना, दुनिया चले ना थी बोला, अति मिले ना श्री राम के बिना, अति मिले ना हनुमान के बिना, अति मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री हनुमान की। इसलिए शंकर जी कितने स्वरूप में है, कितने स्वरूप में, ये अद्वैत आचार्य कौन है बताओ, अद्वैत आचार्य कौन है, इंद्रदेव है,
अरे इन्होंने ही आ करके हैं, इन्होंने ही आ करके भगवान को किसने बुलाया, इसी भगवान की बोलो तो वृंदावन से ठाकुर को किसने बुलाया जगत में, अद्वैत आचार्य इसलिए कहते ना दयाकर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा वाले पाई दयाकर सीतापति आज जो हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन कर रहे हैं किसकी कृपा से, बोलो किसकी कृपा से, अद्वैत आचार्य कृपा से, यही अद्वैत आचार्य ही सदाशिव है। और इसी सदाशिव का एक प्रकाश है वो रुद्र सिंह, जो राक्षस लोग जो शिव को पूजा किया है ना वो सदाशिव को भक्त नहीं करते हैं, उन लोगों ने रुद्र शिव को पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग कौन सा शिव को पूजा करते हो, हम लोग सदा शिव को पूजा करते हैं, इसलिए इन्होंने ही भगवान इस जगत में प्रकट करने वाले कौन है, श्री अद्वैत आचार्य। अगर अद्वैत आचार्य नहीं आते थे आप भगवान की भक्ति पाप तो भक्ति करेगी सकते हम लोग हमारे चिंतन आ गया Yeah.
Thank you.